मिटाने खबरों का गैप, रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप। हार्दिक पांड्या मौजूदा भारतीय क्रिकेट टीम की बैकबोन। लंबे समय तक चोट के कारण क्रिकेट से दूर रहने के बाद पांड्या ने जो खेल दिखाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। मैदान पर वापसी के बाद से ही पांड्या की लगातार तारीफ की जा रही है। आईपीएल में कमाल का प्रदर्शन करने के बाद पांड्या इंटरनेशनल क्रिकेट में भी धमाल मचा रहे हैं, जहां उनकी नजर एशिया कप और टी20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करने पर होगी। इस बीच टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने हार्दिक पांड्या को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। शास्त्री ने पांड्या को भारतीय टीम के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक बताया है। शास्त्री ने इस ऑलराउंडर की तारीफ करते हुए बताया कि भारतीय प्लेइंग 11 में उनका होना क्यों फायदेमंद होता है। शास्त्री के मुताबिक अगर पांड्या प्लेइंग 11 में नहीं होंगे तो पूरी टीम का बैलेंस बिगड़ जाएगा। उन्होंने कहा, जहां तक भारत का सवाल है तो पांड्या टीम के पहिए की सबसे महत्वपूर्ण धुरी में से एक है। वो जब प्लेइंग 11 में नहीं होते हैं तो पूरी टीम का संतुलन चला जाता है। वो काफी महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। जब वो नहीं होते हैं तो आप ये नहीं समझ पाते कि टीम में एक एक्स्ट्रा बैट्समैन को खिलाना चाहिए या एक एक्स्ट्रा बॉलर को। हार्दिक पिछले टी20 विश्व कप में भी टीम के साथ थे, लेकिन अनफिट होने के चलते वो पूरे टूर्नामेंट में बॉलिंग नहीं कर पाए थे, जिसका खामियाजा भारतीय टीम ने उठाया भी था और टीम ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गई थी। इसको लेकर पूर्व भारतीय कोच ने कहा, हमने पिछले साल टी20 विश्व कप में उनकी बॉलिंग को बहुत मिस किया था। इससे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा, वो जिस नंबर पर बैटिंग करते हैं और उनके पास जो क्वालिटी है उसके आसपास भी कोई खिलाड़ी नहीं है। मुझे लगता है कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। चोट के बाद मैदान पर वापसी करने वाले पांड्या ने सबसे पहले आईपीएल में कमाल का प्रदर्शन किया। अपनी कप्तानी में उन्होंने गुजरात टाइटंस की टीम को खिताब दिलाया। इस दौरान पांड्या ने 15 मैच में कुल 487 रन बनाए, साथ ही 8 विकेट भी हासिल किए। इस प्रदर्शन की बदौलत उन्होंने भारतीय टीम में वापसी की और तब से वो लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले साउथ अफ्रीका और फिर इंग्लैंड के खिलाफ हार्दिक ने टीम को कई मैच अकेले दम पर जिताया। इंग्लैंड के खिलाफ वो मैन ऑफ द सीरीज भी बने। अब देखना होगा कि पांड्या आगे आने वाले बड़े टूर्नामेंट में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रख पाते हैं या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी रविराज ने। मैंने हारिका यादव, स्पोर्ट्स से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।